Hey guys, welcome back to my channel. I am Zami और मैं आज आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ मीशो हॉल। तो आज मैं जो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है लेगिंग्स, लोअर एंड प्लाजो, जो कि मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में सारे पिक किए हैं, काफ़ी अच्छे रेंज में एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छे लगे हैं सारे प्रोडक्ट। गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये लोअर मैंने ली है अपने लिए। अब ये है ब्लू कलर में, कुछ यहाँ पे इलास्टिक बनी हुई है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे नीचे बॉटम में इलास्टिक दी गई है जो कि काफ़ी ज़रा अच्छी लगती है पहनने पे। इसका लुक काफ़ी ज़रा क्लासी आता है एंड इसमें मैंने काफ़ी सारे कलर पिक किए हैं। इसकी लेंथ मुझे मेरे लिए काफ़ी ज़रा परफेक्ट रही है एंड मैं यहाँ दिखा दूँ साइड में कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनी हुई है, यू कैन सी, जो कि पेंट है वाइट एंड रेड का। ब्लू कलर मैंने इसे बाय किया। इसमें मैंने 6 कलर बाय किए हैं जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अगर बाय चांस आपको ये लूज़ पड़ती है तो आप इसके थ्रू इसे टाइट भी कर सकते हो। तो अब मैं जो आपको इसका कलर दिखाने जा रही हूँ वो है एक रेड कलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा रेड कलर है। जितने भी कलर थे इसमें मैंने सारे पिक कर लिए थे और इस टाइम ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो मे बी मैं इसके कोड प्रोवाइड ना कर पाऊँ आपको। बट अगर मुझे इसका कोड मिलता है, कुछ इससे मिलता जुलता, तो मैं इसके कोड ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। तो सेम टू सेम है, कलर थोड़ा डिफरेंट है बट मटेरियल वही है एंड काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। तो इसके मैं आपको सारे कलर दिखा देती हूँ वन बाई वन करके। एक मैंने और लिया है ब्लैक कलर में। इसकी जो डिज़ाइन है वो थोड़ी डिफरेंट है। डिज़ाइन ये है कुछ इस तरह से डिज़ाइन में। नीचे यहाँ भी बॉटम में इलास्टिक दी गई है जो कि बहुत अच्छी लगती है पहनने पे। एक और मैंने लिया था रेड कलर का। एक्चुअली दो रेड है मेरे पास, क्योंकि एक मेरी सिस्टर का भी रेड है और एक ग्रीन है एंड एक है ब्लू कलर। तो ये ग्रीन कलर भी, इसकी जो डिज़ाइन है वो भी थोड़ी डिफरेंट है, यू कैन सी। ये मटेरियल भी काफ़ी ज़रा सॉफ्ट है एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनी हुई है। नीचे बॉटम में यहाँ भी इलास्टिक बनी हुई है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल इसका भी है एंड काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में मुझे पिक हुए थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। तो सारे इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं, मुझे इसका कोड मिलता है तो मैं ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी। और मैंने ली थी लेगिंग्स, जो कि मैंने 6 के सेट में ली थी। तो 6 लेगिंग्स मैंने ली थी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। ये है लेगिंग्स जो कि कुछ इस तरह से है। इसका भी मटेरियल जो है बहुत ही ज़रा सॉफ्ट है एंड फुल लेंथ की ये लेगिंग्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें जो साइज़ है मेरा वो है मीडियम साइज़ में। काफ़ी सारे कलर्स हैं तो मैं आपको वन बाय वन करके सारे कलर दिखा देती हूँ। ये है डार्क रेड कलर जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है लेगिंग्स में, यू कैन सी। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैं इसकी कोड प्रोवाइड कर दूँगी। इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट कलर मिल जाएंगे। और कलर मैंने लिया है वो है ब्लू कलर में। मेरे एक सिस्टर का भी इसमें है तो दो कलर सेम है, तो ये दो ब्लू कलर में हैं एंड ये एक है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे। और मैंने कुर्ती ली थी उस पर मैंने इसे वेयर करने के लिए बाय किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो सबसे अच्छा जो कलर मुझे लगा है ये रेड कलर है जो कि काफ़ी ज़्यादा खिलता हुआ रेड कलर है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैं इसके कोड सारे प्रोवाइड कर दूँगी आपको मीशो के। आप उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर मिल जाएंगे आपको, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। अब मैं जो आपको दिखाने जा रही वो है प्लाजो, जो कि मैंने लिया है मीशो से और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के मुझे रिसीव हुए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन में। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, कलर चूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन करके। जो सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये है ब्लू कलर में प्लाजो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का रिसीव हुआ है। इसका जो मटेरियल है वो कॉटन मटेरियल है। आपको इसमें रेयन मटेरियल भी मिल जाएंगे बट मैंने बाय किया है कॉटन मटेरियल का। इसमें कुछ इस तरह से नीचे बॉटम में डिज़ाइन बनी हुई है, यू कैन सी। एंड इसका जो दूसरा कलर मैंने बाय किया है ये है मरून कलर का, और ये भी मैंने लिया है मीशो से। और मीशो के जितने भी मैंने ये प्लाजो ख़रीदे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं एंड इसकी डिज़ाइन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। ये है मरून कलर में एंड इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, यू कैन सी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये इसे चिकन प्लाजो कहते हैं। चिकन के जो प्लाजो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट अगर आप कॉटन नहीं पहनना चाहते तो आपको इसमें रेयन भी मिल जाएंगे। रेयन मटेरियल जो होते हैं वो काफ़ी ज़रा सॉफ्ट होते हैं बट ये इसे वॉश करने के बाद भी ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने लिए हैं कॉटन, जो कि समर के लिए दिस टाइम काफ़ी ज़रा बेस्ट होने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़रा रिजनेबल प्राइस में मुझे रिसीव हुआ है एंड काफ़ी अच्छे कलर क्वालिटी में मुझे रिसीव हुआ है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। ये जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ ये है पीच कलर में, और इसका भी डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट है और ये भी मुझे इसकी डिज़ाइन काफ़ी ज़रा अच्छी लगी है। तो
कुछ इस तरह से इसकी डिज़ाइन है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और इसे भी मैंने लिया है कुर्ती पे वियर करने के लिए। दिस टाइम कॉटन मटेरियल समर के लिए बेस्ट है, और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इसके भी मैं कोड प्रोवाइड कर दूंगी, मीशो से आप जाके बाय कर सकते हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कलर एंड मटेरियल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कॉटन लिया है, आप रेयॉन भी ले सकते हैं। तो आई होप गाइस मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको अच्छा लगा हो। बहुत जल्दी मैं कुर्ती की वीडियो लेके आने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, मैं कुछ के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर आप ऐसे ही रिलेटेड मीशो हॉल या मेकअप हॉल ज्वेलरी हॉल देखना चाहते हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सबसे पहले हम मीशो ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से जाके, आप प्ले स्टोर में जाके मीशो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से ओपन होके मिलेगा, तो यहाँ पे सामने पे कुछ इस तरह से ओपन है। हम कैटेगरीज़ में जाएंगे, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, आपको जो बाय करना है, जिस चीज़ की शॉपिंग करनी है आप कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी कुर्ती पे। कुर्ती पे क्लिक करने के बाद सारी कुर्ती यहाँ पे ऑप्शन में मिलेगी, सभी तरह की इसमें डिटेलिंग रहेगी कि किस टाइप की आप कुर्ती लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाली कुर्ती पे क्लिक करने वाली हूँ, एंड इस पे कुर्ती पे क्लिक करने के बाद मुझे इसमें दो कुर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, तो मैं फ़र्स्ट वाले पे क्लिक करूँगी क्योंकि मुझे ये पसंद आई है। मैं इसे बाय करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे साइज़ दिए गए हैं, एंड प्राइस भी सारे सेलर के अपने अलग अलग हैं, नीचे रिव्यूज़ भी हैं। तो मैं अगर इसे बाय करना चाहती हूँ तो सारी डिटेलिंग भी इसमें नीचे दी गई है। तो मैं अब इसको बाय करने के लिए मैं ऊपर जाऊँगी एंड इसका साइज़ सेलेक्ट करूँगी, तो साइज़ जो होता है मेरा मीडियम होता है, तो मैं मीडियम साइज़ पे क्लिक करूँगी। मीडियम साइज़ क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करूँगी, उसके बाद मुझे जाना होगा कार्ट पे। कार्ट पे जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा किसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करती हूँ, तो मैं कैश ऑन डिलीवरी क्लिक करूँगी। एंड यहाँ पे सामने कुछ इस तरह से दिखेगा। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे जो प्राइस है कुर्ती का, वो आप अगर अपने लिए बाय कर रहे हैं तो सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे 3478। इसको लिखने के बाद क्लिक करेंगे एंड यहाँ कुछ इस तरह से लिख के आ जाएगा, ये मेरा एड्रेस है जो मैंने हाइड कर दिया है, आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं। प्रोसीड करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन होके आएगा। अगर आप प्लेस ऑर्डर कर देंगे तो आपकी शॉपिंग डन हो जाएगी।